दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली एजुकेशनल होने वाला है। और आज मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ ही साथ पुडाइल में ज़्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा कि मार्केट लॉन्ग टर्म में किस तरीके से काम करता है, और वो शॉर्ट टर्म में भी हमें किस तरीके से चार्ट पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज के दिन कल से ही हमें एक सिग्नल्स मिलने शुरू हुए थे, और जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बोला था कि इस लो के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा, आपको धड़ाम से नीचे गिरता हुआ मार्केट दिखाई देगा। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो बिल्कुल भी देख लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है, क्योंकि बना है स्ट्रक्चर उस तरीके से। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल पर्पज़ वाला होने वाला है, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखना। तो दोस्तों, आपके सामने अभी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, ये है 15 मिनट का चार्ट। ओके, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। उससे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा था, ये देख सकते हैं, अप ट्रेंड था। ओके, हायर हाईज बनाते जा रहा था यहाँ पर, हायर हाई। ठीक है, इसे हायर हाई को कंटिन्यू कर रहा था, अप ट्रेंड था, और यहाँ पे अभी उसने डाउन ट्रेंड शुरू भी कर दिया। ठीक है, तो अभी जब तक वो इस लेवल के नीचे, शॉर्ट टर्म में इस लेवल के नीचे नहीं जाता है, ठीक है, तब तक हम ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ पे शुरू हो गया है। ओके, तो इस लेवल के नीचे जैसे जाएगा तो यहाँ से आपको कंप्लीटली मार्केट, क्रूड ऑयल का मार्केट गिरता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो इस लेवल के नीचे जाना चाहिए, फिर बाद में यहाँ पे आपको शायद बेरिश फ्लैग बना के दिखाएगा और उसके बाद नीचे जाएगा। तो ये जो कुछ भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, शायद आपको काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं अभी आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली समझाता हूँ, तो आपके दिमाग में से सभी प्रॉब्लम निकल जाएगी। जैसे कि देखो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड होता है इस तरीके से, ओके, एक ट्रेंड में चलता है, ठीक है, अभी इस लेवल पर आने के बाद समझो उसे ट्रेंड चेंज करना है, तो उसने यहाँ पे डबल बॉटम तैयार किया। सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे जा रहा। ओके, तो यहाँ से मतलब कभी भी मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो उसे यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाना पड़ता है। ओके, तो अब इसके बीच में जो माइनर ट्रेंड होता है ना, उसमें वो पोल्स बनाता है। यहाँ पे क्या पोल्स बना रहा है, वो बुलिश फ्लैग पोल बना रहा है। ओके, और यहाँ पे कौन से पोल बना रहा है, बेरिश फ्लैग पोल बना रहा है। और ये जो बीच में है ना, यहाँ पे यहाँ तक गिर रहा है। ओके, अब मार्केट को नीचे से ऊपर जाना है तो वो यहाँ पे एक तो डबल बॉटम बना सकता है या फिर इन्वर्टेड हैमर बना सकता है, ठीक है, और इस तरीके से फिर एक बार ऊपर जाने की जर्नी शुरू कर सकता है। समझ में आ गया अभी, ये पहले तो एक क्लियर कर लो आप, ये स्ट्रक्चर क्लियर करो। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से चल रहा है वन बाय वन। ओके, तो अब 15 मिनट से निकल के हम चलते हैं वन डे में। अब ये है वन डे का चार्ट। अभी देखो आप, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था ना, बिल्कुल वो बना है कि नहीं, पहले तो आपको क्लियर कर दो। देखो, पहले आपको क्लियर कर दो कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था। देखो आप, यहाँ पे निकाल के भी दिखाऊंगा, अप ट्रेंड, फिर छोटा सा माइनर ट्रेंड मतलब पोल, ठीक है, ये पोल हो गया, फिर अप ट्रेंड, फिर यहाँ पे पोल बना दिया बुलिश फ्लैग पोल, फिर यहाँ पे माइनर ट्रेंड, फिर ऊपर गया। ओके, ध्यान से देखो, इसी तरीके से मार्केट चलता है दोस्तों, क्लियर है, इससे अलग कुछ नहीं। यहाँ पर टच किया, फिर बॉटम पे आया, फिर यहाँ पे टच किया, डबल बॉटम बनाया। ओके, फिर देखो अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे चालू कर दिया उसने नीचे आना, ठीक है, देख सकते हो इस तरीके से बना रहा है ये। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ से नीचे आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा, जा भी सकता है, नहीं जाएगा, नहीं भी जा सकता। तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि यही होगा। ओके, हम एनालिसिस करना हमारा काम है, अदरवाइज़ बाकी रिजल्ट्स जो भी हो। तो अब आपको किस तरीके से कन्फर्मेशन मिलेगा कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है दोस्तों। ओके, अब वेट क्यों करना पड़ता है, तो अगर आपको यहाँ पर देखें, ठीक है, तो जब भी इस तरीके से स्ट्रक्चर पे मार्केट आता है ना, तो वो अब चार्ट पैटर्न तो बना भी दिया, लेकिन उसके बाद एंट्री के लिए बनाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया है बेरिश हरामी पैटर्न। ओके,
और उसके बाद यहाँ पे बनाया है पेरिश एनगल्फिंग बार। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ गया, क्या तैयार हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कैंडल्स बोल रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर फिर एक बार उसने वही बनाया है बेरिश हरामी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या बनाया है, बेरिश एनगल्फिंग। ओके, अगर आप एंट्री करते हो तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके नीचे आपको एंट्री करना चाहिए। तो चलिए अब इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद 15 मिनट पे आने के बाद जहाँ से मार्केट घूमा है, क्या वहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया है इसने? ठीक है, जैसे हमने वन डे में पैटर्न बनते हुए दिखाया था, तो क्या आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई पैटर्न 15 मिनट में? बनाना ही चाहिए, बनाता ही है। ठीक है, तो वो पैटर्न यहाँ पे आप देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ से आया, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर इसी लेवल को टच किया और यहाँ से नीचे आया। ठीक है, तो इस लाइन को ब्रेक कर दिया, इसलिए मैंने ये लाइन निकाला था। ठीक है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन गया है, तो डबल बॉटम को ब्रेक कर दिया और यहाँ से नीचे आ रहा है अभी 15 मिनट में। ओके, तो अभी हमारी एंट्री यहाँ पे क्रूड ऑयल में कहाँ पे होगी? अभी जो जो मैंने आपको बताया ना, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। ओके, तो हमारे फिबोनाची निकाल के देखेंगे, तो फिबोनाची के हिसाब से अगर यहाँ से बाइंग होती है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गई या फिर यहाँ तक होगी। ओके, और यहाँ तक जाकर अगर यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल करेगा ना, तो फिर हम आराम से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये अच्छा, अगर आपको लगे तो इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाना और उसी रेशियो से नीचे ले लेना। ठीक है, पोजिशनल बन सकता है, आज एंट्री करोगे तो कल भी टारगेट अचीव हो सकता है। तो क्रूड ऑयल में इतना सटीक मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि किस तरीके से सेम एनालिसिस मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में भी करता हूँ। तो अभी हमारे लिए क्रूड ऑयल में एंट्री पॉइंट अभी तक नहीं बनाया। ओके, तो मैंने कल भी एंट्री नहीं लिया था। तो बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लैग कंटिन्यू किया है ऊपर की साइड पे। ओके, तो अब इसमें अभी तक फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं मिला है आज, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल पे आने के बाद ही मार्केट इम्पोर्टेंट सिग्नल्स देता है, आप देख रहे हैं ना। तो हम इसको जोड़ते रहेंगे जब तक। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, और इसको जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो जैसे यहाँ पे बताया ना कि नीचे के साइड पे ब्रेक करेगा, तो फिर ऊपर जैसे ही ऊपर जाएगा, से अभी यहाँ पे निकाल के दिखाया है, नीचे के साइड पे जाएगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा और फिर नीचे जाएगा, तो हम उसमें एंट्री करेंगे बैंक निफ्टी में। ये 15 मिनट का चार्ट, तो बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, और मैक्सिमम चांसेस है कि ये यहाँ से नीचे आके इसी लेवल को ब्रेक करेगा और नीचे आएगा। जैसे ही ब्रेक करके फिर एक बार बाइंग करके नीचे आएगा, तो हम उसमें एंट्री करेंगे। ओके, निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में हमने कल भी एंट्री नहीं किया, इतना कुछ भी पता था हमें, लेकिन फिर भी हमने क्रूड ऑयल में एंट्री नहीं किया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आया। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद कौन सा कैंडल बनाया, कौन सा बनाया, पेरिश एनगल्फिंग बनाया ना, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर नहीं जा सका है, अभी नीचे आ रहा है। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाएगा, ओके, और यहाँ से इस तरीके से आएगा, तो आपको ऊपर के साइड पे बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज कंटिन्यूसली यहाँ तक आएगा, ये जो लेवल है ना यहाँ तक कंटिन्यूसली आएगा, और फिर एक बार इस तरीके से, फिर एक बार इस तरीके से। ठीक है, तो देखेंगे अभी निफ्टी में, अभी कुछ बोल नहीं सकते। ओके, जैसे हमें कोई सिग्नल्स मिलेंगे हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। ओके, तो क्रूड ऑयल में भी जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम उसमें एंट्री करेंगे और उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के
लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।